हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी आयन में या किसी भी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग किसी भी परमाणु में देख के बता सकते हैं कि इस परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मिक और युग्मिक ये सब क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, और किस तरीके से उसकी संख्या किसी भी एटम में हम लोग बता सकते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार एंट्री किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो उसके पहले कुछ बेसिक टर्म हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है, एस पी डी और यफ, इन चार नंबर को आपको जानना है। तो यस होता है, पी होता है, डी होता है और यफ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं। तो जैसे कि अगर आपने पहले से पता होगा कि कोई एटम है और उस एटम के सेंटर में क्या होता है, उस एटम के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, और उस नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये आपको पता है। अब जो ये आपको यहां से आपका सेंटर है और एक पहला आपको सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के सेल, के कोष बोलते हैं। इसके बाहर जो दूसरा कोष है इसको क्या बोलते हैं, यल कोष बोलते हैं। और इसके बाद वाला अगर तीसरा है तो इसको क्या बोलेंगे, एम कोष बोलेंगे। तो ये चीज आपको पता है। अब इस के सेल जो है इसमें क्या होती है, दो सब सेल होते हैं। सब सेल को क्या बोलते हैं, उपकोष। तो जो के सेल होता है उसमें केवल ए तो उपकोष होता है, यल के पास जाएंगे तो यल के पास दो उपकोष होता है, फिर यम के पास जाएंगे तो उसके पास तीन उपकोष होता है। तो इस तरीके से यम के बाद अगर यल के पास जाएंगे तो उसके पास कितना होता है, चार होता है, यस पी डी और यफ, ये चौथा वाला भी उसमें ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से अब आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि जो यस है इसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी वाले में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, छह इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और डी वाले में कितने भरे जा सकते हैं, दस भरे जा सकते हैं, और यफ वाले में 14 भरे जा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो एस में कितने हो सकते हैं, यस। तो अब देखिए इसमें रूल क्या कहता है, जैसे कि कोई यहां पे है, कोई यहां पे एटम है, तो पहले यस वाले में इलेक्ट्रॉन भरे जाएगा, फिर जब यल में जाओगे तो फिर यस वाले में भरा जाएगा, फिर पी वाले में भरा जाएगा। जैसे आपको कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो सबसे पहले आप यस में इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर जब आप दूसरे कोष में जाओगे तो दूसरे कोष के लिए भी पहले वाले में इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर इसमें भरोगे। फिर उसी तरीके से डी वाले में जाओगे तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर इस वाले में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर इस वाले में इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरते हुए आते हैं। तो कुछ नंबर मैं आपको बता देता हूं, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक थोड़ा सा ट्रिक आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, एस लिख लेते हैं, एस और पी लिख देते हैं, और यस पी और डी लिख देते हैं, और एस पी डी और एफ लिख देते हैं। ठीक, उसी तरीके से इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जो चीज लिखना होगा उसको हम लोग लिख रहे हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ पे यस पी डी और एस पी डी। अब आपको क्या करना है, जो यस है उसके आगे यहाँ पे यस लगा देना है, अब जब दूसरे वाले लाइन में जा रहे हो तो यहाँ पे टू और टू जोड़ देना है, यहाँ पे तीन तीसरे वाले में आ रहे हो तो तीन तीन जोड़ देना है, उसी तरीके से चार में जा रहे हो तो चार चार जोड़ देना है, पांचवे में जा रहे तो पांच, छठे में जा रहे तो छह, इसी तरीके से यहां पे सात कर दूं। ठीक, ये करें। अब यस में मैंने कितना बताया, दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यस में सब में दो दो इलेक्ट्रॉन लिख दो। पी में छह भरे जा सकते हैं तो पी में छह इलेक्ट्रॉन लिख दो। डी में कितने भरे जा सकते हैं, दस, तो दस लिख दो, और यफ में 14। अब आपको इस तरीके से तीर लगा लेना है, इस तरीके से तीर लगा लेंगे आप। ठीक, इस तरीके से आप तीर लगा लेंगे, इससे आपको एक चीज मिलेगा जिससे कि आप क्या करोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आप उसी के थ्रू बताओगे। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इस चीज को याद रख लेना है। ठीक, अब इसके थ्रू हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको एक चीज नंबर जैसे जैसे लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे उसी के थ्रू हम लोग बताएंगे कि क्या होता है, कैसे हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर है।
अब आगे आपको क्या देखना है, यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहे हैं जैसे कि 1s2 है तो यहाँ पे 1s2 लिख दो, फिर क्या है 2s2 है तो 2s2 लिख दो, फिर क्या है 2p6 है तो 2p6 लिख दो। देखो 1s2 इस एरो की तरफ ध्यान देना, पहला 1s फिर 2s फिर पीछे जाओ तो 2p6 फिर क्या आएगा 3s2, तो यहाँ पे 3s2 लिख देंगे, फिर 3s2 के बाद 3p6 तो यहाँ पे 3p6, फिर 3p6 के बाद 4s2 तो 4s2, फिर 4s2 के बाद 3p10 तो 3p10, फिर 3p10 के बाद 4p6 तो 4p6, 4p6 के बाद 5s2 तो 5s2, फिर 5s2 के बाद 4d10, 4d10, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 4d10 हो गया, अब 4d10 के बाद 5p6, 5p6, 5p6 के बाद 6s2 तो 6s2, इससे अधिक हमें जरूरत नहीं लेकिन लिखते जाएंगे, फिर 6s2 के बाद यहां पे पहुंच जाएंगे, फिर वैसे ही लिखते जाएंगे, तो इतनी की हमें जरूरत है, ठीक, इतना में हमारा काम हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए कि कैसे क्या हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको साफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसके बाद का कहानी क्या है। तो इतना आपको समझ में आ गया कैसे ये लिखा गया। अब हमें क्या करना है, एटम ले लेना है। अब हमें क्या ले लेना है, एटम ले लेना है। आपको मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये चीज पता होगा कि किस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उस एटम का परमाणु क्रमांक पता होगा, जिसके थ्रू आप लोग क्या बता सकते हैं, उस एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो इतने आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है, इसी सारे क्वेश्चन में इसमें जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, बताना है। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामने है, और पहला क्या है, सोडियम, दूसरा क्लोरीन, फिर फास्फोरस, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, पहले आपका न्यूट्रल एटम है जिसपे कोई भी आवेश नहीं, फिर आपका प्लस चार्ज वाला एग्जाम्पल आ गया, प्लस चार्ज, फिर यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज वाला एग्जाम्पल आ गया। तो प्लस माइनस और जो न्यूट्रल एटम है सभी के किस तरीके से हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि जिस एटम में प्लस चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी घट जाती है, जितनी उसकी प्लस चार्ज होती है उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, और जिसमें जितने माइनस होते हैं उसमें उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जुट जाती है। तो पहला हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं, पहला क्या है, पहला आपका है एग्जाम्पल सोडियम, पहला है सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। 11 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। तो यस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, फिर यस में 2, फिर पी में 6, तो यहाँ पे क्या है, हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, ठीक, अभी 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इसमें, 2 इसमें, फिर 2p6, 2p6, और फिर 3s। अब देखिए 2, 2 4, 4 हो गया, और 6, 6 4 10, और 3s1, क्योंकि इसमें एक ही होगा, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यस जो ऑर्बिटल होता है, जो यस ऑर्बिटल होता है उसके पास कितना डब्बा होता है, 1 डब्बा होता है। पी जो ऑर्बिटल होता है उसके पास कितना डब्बा होता है, 3 डब्बा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। डी ऑर्बिटल जो होता है उसके पास कितना डब्बा होता है, 5 डब्बा होता है, आप समझ रहे हैं, डी के पास कितने डब्बे होते हैं, 5, ठीक, इस तरीके से ये डी है। फिर उसी तरीके से यफ जो होता है उसके पास कितने डब्बे होते हैं, 7 डब्बे होते हैं, यहाँ पे डब्बा बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये यफ का है। तो इस डब्बे को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसके पास क्या है, यस, और यस में केवल कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको ऐसे लिखते हैं ऊपर की दिशा में, उसे ऊपर की दिशा में लिखते हैं, समझते हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो यस वाले में अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका दिशा ऐसे ही नीचे हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब ये ऊपर की दिशा में केवल इसमें यस वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो कि ये क्या है, 3s है, यहाँ पे जो है वो 3s, क्योंकि यहाँ पे आगे 3 लिखा हुआ है, तो ये 3s है जिसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें यस है और इसके पीछे यस जो ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से, क्योंकि यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पूरी तरीके से भरे, उसी तरीके से यस में लिखा जाए तो ये भी पूरी तरीके से 2 भरा हो, और पी में अधिकतम 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पी वाला भी 6, एक में एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पी वाले में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरा भरे गए, यस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहाँ पे इसके इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, इसको 1 और मिल जाए तो इसका जो युग्म है वो पूरा हो जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो इसका युग्म तो पूरा हो जाएगा, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1,
कि सोडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक होंगे, बराबर एक। ठीक उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्या है क्लोरीन। तो क्लोरीन को सीएल से लिखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो उसी तरीके से भर लेते हैं, इसमें 17 है तो 17 तक हम लोग पहले भरते हैं। तो पहले वाले में कितना हो जाएगा 1s2 दो इलेक्ट्रॉन भर गया, दूसरे वाले में 2s2 चार इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर 2p6 तो 6 4 10 हो गया और अभी 7 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 2p6 के बाद क्या आता है 3s2, तो यहाँ पे 3s2 लिख देंगे। अब कितना बचा हुआ है 12 हो गया, अभी 5 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पे 3p क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 17 होता है। तो 2 2 4 6 2 2 4 हो गया और 6 4 10 तो 12 5 17। अब पी यहाँ पे दिख रहा है तो पी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने भर जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है तो तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे फिर दूसरा का इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, फिर उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, फिर उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा जो कि नीचे की दिशा वाला होगा, मतलब इसमें तीर नीचे की तरफ होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन रुक के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है जिसका युग्म नहीं बना है, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा क्लोरीन के लिए 1, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक तो इसके नीचे लिख देंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी। अब इसी तरीके से फास्फोरस का देखते हैं, तो फास्फोरस कितने नंबर पे है, फास्फोरस आपका 15वें नंबर पे है, फास्फोरस 15वें नंबर पे। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए उसी तरीके से कर दो, तो 15 तक पहुंचेंगे तो यहां तक आपका कितना है, यहां तक आपका 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 तक पहले लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 12 हो गया। अभी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा तो 3p3 हो जाएगा 3p3। तो इसका अगर डब्बे में भरना है तो 3 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ये पी वाला यही है ना, तो पी वाले में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन होगा तब उसका नीचे की दिशा में होके आगे भरोगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन भर गया और तीनों ऑर्बिटल क्या है खाली है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 होंगे। ठीक क्योंकि 3 डब्बा क्या है खाली है। तो अब हमने जो सिंपल एटम थे उनको हमने देख लिया, अब हम लोग चार्ज के बारे में देखते हैं जो कि कॉपर का एग्जांपल है। तो एक ये अच्छा एग्जांपल है, अभी तक तो हमने इजी क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब इसको क्लीन कर लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे देखेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो कॉपर है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं फिर कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। सबसे पहले कॉपर का निकालते हैं जिसका 29 तक है, तो इसमें गिन देते कहां तक 29 आता है 2 2 4 2 6 नहीं 2 2 4 और 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 तक सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ तक 20 तक पहुंचते हैं हम लोग कैसे होता है, तो 20 तक कहाँ पे था, यहाँ तक 20 था तो 20 तक पहुंच जाते हैं। तो इसको लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद 3p6 फिर 4s2 4s2 अब कितना हुआ 6 4 10 10 10 20, अभी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो 4s2 आ गया, 4s2 के बाद 3p10 आ रहा है, फिर 4p6 आ रहा है, 3p10 के बाद 4p6 आ रहा है। और यदि 3p10 में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन भरे तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नहीं है, हमारे पास अभी 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो हमारा 20 हो गया, यहाँ तक तो 20 हो गया, अब हमारे पास केवल 9 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 तो भरेंगे नहीं। तो इसमें अगर 9 भरेंगे तो ये क्या है आपका, देखिए कॉपर और एक एटम है क्रोमियम जो कि यहाँ पे दो जो होते हैं वो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है उस रूल को फॉलो नहीं करते, क्योंकि एक रूल होता है कि अगर कोई ऑर्बिटल या तो पूरी तरीके से भरा है या तो इस तरीके से पूरी तरीके से भरा है, इस पूरी तरीके से भरा है, या तो दो सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हो, तब वो क्या होगा अधिक संतुलित होगा। तो उस वजह से ये वाला तो पूरी तरीके से भरा नहीं है, ठीक, तो इसको ये वाला पूरी तरीके से भरा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 3d10 हो जाएगा, इसका 3d10 हो जाएगा और इसमें
4s1 आ जाएगा, तो s में भी एक इलेक्ट्रॉन भर गया और ये d वाला पूरी तरीके से भर गया। तो अब ये क्या है, संतुलित की अवस्था में है। अब ये क्या है, संतुलित की अवस्था में। तो अब हमें क्या करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो एक कॉपर का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोग Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। Cu2+ का जो कि क्या है, Z=29 और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन को प्लस का मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन घटेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6 हो जाएगा, फिर 3s2 हो जाएगा, फिर 3p6 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम लोग देखें तो 3 पहले आता है कि 4 पहले आता है, 3 पहले आता है। इसका मतलब जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है वो ए है। तो सबसे पहले बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्योंकि 3 पहले आता है। वो भले यहाँ पे हो जाता है, इसको पहले लिखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए रूल कहता है कि पहले उस ऑर्बिटल को भर दिया जाए जिसकी एनर्जी कम है। ठीक, तो यहाँ पे 3p6 हो गया। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और एक इसमें से निकाल दो, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, ये खत्म। अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यहाँ पे 3d9 कर देंगे। अब बाहरी कोश में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये क्या है, डी वाला ऑर्बिटल है, तो डी यहाँ पे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 9। तो सबसे पहले सब में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अभी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। अभी एक एक 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इसमें भर दो, एक इसमें भर दो, एक इसमें भर दो, एक इसमें भर दो। तो अब कौन सा एक ऑर्बिटल हमें ऐसा मिला जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे Cu2+ में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको एक मिलेंगे क्योंकि एक ही ऑर्बिटल ऐसा बचा है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इस चौथे नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग Na+ का देखते हैं, तो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। Na+ तो एक इस नंबर पे, Z=11 नंबर पे, तो इसको देखते हैं क्या है। तो जेड का मान कितना है, पहले तो Na का निकाल लेते हैं, Na का कितना है 11, तो Na का कितना निकाल लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 और 10 हो गया, और फिर क्या आ गया 3s1, तो 3s1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, Na+ का निकालना है क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन तो हो गए ना, 2, 2, 4 और 6, 4, 10, 1, 11। अब हमें Na+ का निकालना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब एक बढ़ गया, तो इस अगर कोई चीज एक बढ़ता है तो उसका मतलब एक निगेटिव वाला कम होता है, तभी तो बढ़ा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p6। तो इस तरीके से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्लस वाला बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करेंगे तो ये वाला नहीं रहेगा, तो 2p6 आ जाएगा। अब p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो एक एक सब में भर गया है, अब दूसरा वाला भी भर गया, तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखा हमें कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, नहीं है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, उससे पहले ये वाला जो यहाँ पे जगह भर गया उसको हम लोग साफ कर लेते हैं। तो अब हम लोग मैग्नीज का देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसमें 25 इलेक्ट्रॉन है, तो 25 कितना कहाँ तक है, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 18, 2, 20, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं। फिर इसके बाद 3D वाले पहुँचेंगे, तो 20 तक यहाँ तक है, तो 20 तक पहुँच जाते हैं हम लोग। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऊपर देखते रहे 3p6, अब 4s2, तो 4s2 यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास कितना बचा है, 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 25 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 3d5 भरा जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक, हमें निकालना क्या है, Mn2+, तो इसका मतलब जब Mn2+ निकालेंगे तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा, तो उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब आपको ध्यान देना है कि 3d वाला क्या है, 3d वाला पहले है और 4s वाला बाद में है, तो 3d वाला अगर पहले है तो उसको यहां पे पहले लिख देंगे, ठीक, 3d5 और 4s2 है, ये समझ गया। अब आपको यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन दो ठो निकलेगा 25 के जगह पे जो 23 होगा वो किस में से होगा, इस वाले में से होगा, 4s2 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस वाले में से निकलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा।
अब आपको क्या ध्यान देना है, 3D में 5 है, तो D वाला A है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन खत्म कर दो, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरे, अब आपको कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल, 5वें ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें हो कितने सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इसलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 खाली इसमें 5 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसी तरीके से CA का आपको क्वेश्चन दे देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, क्लोरीन को आपको हम खुद करके दिखाते थे कि ये कैसे होगा, ये वाला आपको होमवर्क है, इसको आप लोग क्या करिएगा, करके आइएगा, ठीक। और क्लोरीन वाला देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्लोरीन का सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या कितना है, 17, तो 17 तक हम लोग पहुंचेंगे, तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, तो यहां से पहुंचते हैं, फिर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और फिर 3s2, यहां तक पहुंच गए। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 5, क्योंकि 5 ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ना, 17 होता है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो हो जाएगा 17। अब हमें Cl- का निकालना है, तो Cl- का निकालेंगे तो माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बढ़ जाता है, जब प्लस रहता था, यहाँ पे जो हम लोग निकाले ए वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किसका निकाले, Mn2+ का, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना, Mn2+ का है, तो Cl- में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p5 है, यहाँ पे 3p6 हो जाएगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 हो जाएगा, तो p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए, 6 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन जब आपको p में दिख रहा है, तो कोई आपको डब्बा खाली दिख रहा है, कोई ऑर्बिटल खाली दिख रहा है, नहीं, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। उसी तरीके से कोबाल्ट का हम लोग एग्जांपल देख के कर लेते हैं, एक कोबाल्ट का देख लेते हैं, फिर आपका क्रोमियम का भी देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों पे थोड़ा एक्सटेंशन किसी, इसलिए दोनों को एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो कोबाल्ट का हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, 9वें नंबर पे कोबाल्ट, तो सबसे पहले कोबाल्ट का कितना है परमाणु क्रमांक, 27 है, तो सबसे पहले कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 27 कहाँ तक आएगा, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 18, 19, 20, 20 के बाद अगर इसमें जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ तक सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p6 के बाद 4s2। अब हमारे पास 20 हो गया, अभी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जो कि डी में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3d7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब कोबाल पे चार्ज कितना है, 3 चार्ज है, कोबाल पे जो चार्ज है वो कितना है, अरे कोबाल पे जो चार्ज है वो 3 है, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे, तो हम लोग लिखते हैं CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे 3p6 तक जाएंगे, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब देखिए ये वाला क्या है, पहले है और ये वाला बाद है, ठीक, रूल के हिसाब से हम लोग चलते हैं, लेकिन बाद में इसको चेंज करेंगे, तो 3d वाला क्या है, पहले है, और 4s2 वाला क्या है, बाद में। तो पहले आपको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्लस यहाँ पे चार्ज करें, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3p6 आ जाएगा, 3p6, अरे 3d6 आ जाएगा, सॉरी 3d6 आ जाएगा। अब डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6ठा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अब कितने ऑर्बिटल खाली है, 1, 2, 3, 4, 4 ऑर्बिटल खाली, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, ठीक। उसी तरीके से अब हम लोग क्रोमियम का देख लेते हैं, तो क्रोमियम का देखते हैं कैसे होता है, तो क्रोमियम किस नंबर पे है, 24 पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, यहां तक पहुंच गए। अब हमें देखना है कि कितना हुआ है, तो 6, 4, 10, 10, 10, 20 और अभी हमारे पास 4 है, तो 4 है, तो इसमें देखिए यहां पे 4s2 के बाद आपका 3d
3D4 आपको समझ में आएगा कि ये हमें लिखना है, लेकिन नहीं, हमने अभी आपको बताया कि कोई ऑर्बिटल या तो आधा भरा है या तो पूरा भरा है, तब वो संतुलित अवस्था में है। तो इस वाले में से एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे 2 लिखा था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देंगे और ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आधा भर जाएगा, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये आधा भर गया, और यस वाले में एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये भी आधा हो गया, तो अब दोनों संतुलित की अवस्था में आ गए। अब दोनों संतुलित की अवस्था में आ गए, अब हमारा क्या होगा, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम लोग इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है Cr3+, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 24 है, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला सेल क्या है, पहले, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है और इसकी ज्यादा है, लेकिन इसको हम लोग पहले भरते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें से निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3d3 बचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला डब्बा खत्म ही हो गया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और कम होगा तो 3d3 हो गया। और डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए, डी वाले में 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए, डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए, 3 इलेक्ट्रॉन केवल भरे गए। तो अब इसका आप लोगों को क्या करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 1, 2, 3। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगी, और फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।